The Dawn Express. Aina Sashka. नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा आपके सामने हमेशा की तरह खास खबरों के साथ आ चुकी हूँ। खास खबरों में आपको बताएंगे कि मूर्तिकारों ने, जो दुर्गा मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार हैं, उन्होंने कौन से नियमों में फेरबदल की मांग की है। साथ ही बताऊंगी कि ईडी ने नई दिल्ली में कहाँ कहाँ घोटालों पर छापा मारा है और गिरफ्तारी की है। साथ ही आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अब बाहर का खाना खाने में सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक खास जानकारी और दूं कि आज की हमारी संडे की वीडियो में आपके साथ हम क्रॉसवर्ड खेलने वाले हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, क्रॉसवर्ड का लिंक आपको वीडियो के नीचे उपलब्ध है। आप लिंक को प्रेस कर डायरेक्ट क्रॉसवर्ड प्ले कर सकते हैं। क्रॉसवर्ड के लकी विनर को हमारी तरफ से सरप्राइज गिफ्ट भी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। लेकिन आपको एक और बात बता दें कि बीच बीच में क्रॉसवर्ड आपके लिए फ्लैश होता रहेगा और अगर आपको कोई वर्ड समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके हमारे साथ वीडियो के साथ साथ खेल सकते हैं। जल सेवा के कथित तौर पर मुस्लिम अभ्यर्थियों की घुसपैठ से संबंधित एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम के दो एपिसोड के प्रसारण पर रोक लगने के दो दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग बात कही है। कोर्ट ने कहा कि प्रसारण पूर्व कार्यक्रम पर रोक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह है। जी हाँ, कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रसारण पूर्व रोक लगाना चरम कदम है क्योंकि ये फिसलने वाले ढलान के समान है। हम ऐसा कदम विशेष परिस्थितियों में ही उठाते हैं, मसलन लैंगिक या यौन हिंसा आदि मामलों में। पीठ ने यह भी कहा कि चैनल इस बात पर बहस करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि जकात फाउंडेशन या किसी अन्य संगठन को कहाँ से फंडिंग हो रही है, लेकिन कार्यक्रम के कुछ बयान आपत्तिजनक हैं। पीठ ने कहा कि मुस्लिमों को हरी टी शर्ट, टोपी, दाढ़ी में नहीं दिखाया जाना चाहिए। यही कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दुर्गा उत्सव समिति और मूर्तिकारों ने 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्रि को लेकर गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का विरोध किया है। दुर्गा उत्सव समिति ने सरकार से दुर्गा पूजा उत्सव के लिए बड़ा पंडाल बनाने और 10 फीट की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। प्रजापति मूर्तिकार संघ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रतिमाओं की ऊंचाइयों को लेकर गाइडलाइन संशोधित करने की मांग की गई है। संघ का कहना है कि जब बहुत से मूर्तिकारों ने 10 फीट की प्रतिमा का निर्माण कर लिया है तो सरकार उनको बैठाने की अनुमति दे, और वो बहुत ज़रूरी भी है। वहीं हिंदू उत्सव समिति ने सरकार से मूर्तिकारों की समस्या को देखते हुए बन चुकी मूर्तियों को स्थापित करने और पंडाल को लेकर गाइडलाइन संशोधित करने की मांग भी की है। टेक कंपनियां अपनी बिक्री बढ़ाने और लोगों को आकर्षित करने के लिए नए नए ऑफर्स देती रहती हैं। टेक कंपनियों के सस्ते प्रोडक्ट्स को ग्राहकों का रिस्पांस भी अच्छा मिलता है। साउथ कोरिया की बड़ी कंपनी टेक कंपनियों में गिने जाने वाली सैमसंग ने हाल ही में अपने स्मार्टफोन्स के दाम में भारी कटौती की है। जी हाँ, आपने सही सुना, अगर आप सैमसंग खरीदना चाहते हैं तो आपका सस्ते दामों में उपलब्ध होगा। इन स्मार्टफोन में गैलेक्सी A71, गैलेक्सी A51, गैलेक्सी A31, गैलेक्सी A21S, गैलेक्सी M01S और गैलेक्सी M01 कोर के नाम शामिल हैं। जी हाँ, 91 मोबाइल्स ने गैलेक्सी M01S और गैलेक्सी M01 कोर की कीमत में कटौती की जानकारी रिटेल संशोधित के हवाले कर दी है। इन स्मार्टफोन की कीमतें ₹1500 तक घटा दी गई हैं। आपको बताना चाहते हैं कि WhatsApp हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है और WhatsApp के एक नए फीचर बायोमेट्रिक स्कैनिंग सपोर्ट पर बातें चल रही हैं। इसमें वेब का उपयोग किया जाएगा और अधिक सुरक्षा के साथ इसको लाया जाएगा। वेबसाइट WhatsApp के मुताबिक माने तो कंपनी ने अलग ही टीम बनाई है जो इसकी अधिक सुरक्षा बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इसके लिए यूज़र को सबसे पहले स्मार्टफोन पर WhatsApp ओपन करना होगा। अपने कंप्यूटर पर खोलने के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन और स्कैन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जी हाँ, WhatsApp वेब पर लॉगिन करने की ये प्रक्रिया पहले से कई अधिक सुरक्षित होगी। अब बात करते हैं कोरोना संकट की। हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते बहुत से लोग बहुत संकट में आ चुके हैं, लेकिन अगर जब भी बाजार निकलो तो खाने पीने की जगह पर कई तरीके की भीड़ देखी गई है। जी हाँ, लेकिन अब
FSSAI की तरफ से विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिसे ये कहा जा सके कि खाने के सामान के जरिए कोरोना फैलता है। कमेटी ने यह भी बताया कि कोरोना वायरस प्रभावित देशों से भारत आयात किया जाने वाला खाने का सामान भी पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन इस जानकारी के बावजूद हम आपसे यही कहेंगे कि बाहर के खाने को जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करिए। घर का बना बना गर्म खाना ही आपके लिए फिलहाल सुरक्षित होगा। अकाल तख्त ने शुक्रवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारों को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 300 से अधिक प्रतियों के गायब होने के लिए जिम्मेदार ठहराया। अकाल तख्त के कार्यवाहक जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के अन्य जथेदारों की उपस्थिति के बीच SGPC के कार्यकारी न्यायिक को लापरवाही के लिए दोषी ठहराया गया, जिसके कारण 2013 और 15 के बीच गुरु ग्रंथ साहिब की 328 स्वरूप या प्रतियां गायब हो गईं। जी हां, अकाल तख्त मंच से सुनवाई गई सजा के तहत SGPC कार्यकारी निकाय को धार्मिक या सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने से 17 अक्टूबर तक के लिए रोक दिया गया है। PMC बैंक घोटाला मामले में दिल्ली के 3 होटल कब्जे में ले लिए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए आकी गई है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि ये 3 होटल, इनमें से एक बुटीक है, एक कैलाश कॉलोनी में स्थित है और एक फैब होटल के नाम से जाना जाता है। होटलों का मालिकाना हक लिब्रा लिस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। अधिकारी ने बताया कि बैंक से लोन की आड़ में लिब्रा कंपनी और दीवान रिटेलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 247 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी ली गई है। अधिकारी ने यह भी कहा ये पैसे इस ग्रुप ने अपने लिए इस्तेमाल किए हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या फैसला होगा। अब बात करते हैं चीन और भारत के रिश्तों पर एक ऐसा मुद्दा जो हाल फिलहाल में काफ़ी गर्माया हुआ है। कुछ दिन पहले चीन द्वारा भारतीयों पर की जा रही जासूसी के बाद इस तरह का एक और बड़ा मामला सामने आया है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के कई कंप्यूटर में हैकरों द्वारा सेंधमारी की बात सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में सितंबर की शुरुआत में ही केस दर्ज कर लिया था। गौरतलब है कि NIC के इन कंप्यूटर में भारतीय सुरक्षा, नागरिक और बड़ी VIP हस्तियों का भी डेटा उपलब्ध रहता है, जिसमें जानकारी प्रधानमंत्री की भी होती है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार ये हमला बेंगलुरु के कंपनी भेजे गए ईमेल के द्वारा किया गया और सरकारी कर्मचारी ने हाल ही में एक शिकायत की थी और उस ईमेल खोलने पर परेशानी हो रही थी जो NOC का है। जी हाँ, कई हफ्तों से वो इस्तेमाल नहीं हुआ था। तब NIC को पता चला कि उस पर कोई साइबर हमला हुआ है और एक तरीके की नियमित रूप से होने वाली प्रक्रिया ही है। बाद में NIC ने अपने साइबर सुरक्षा के सिस्टम के जरिए उस परेशानी का भी पता लगाया। अब बात करते हैं सुशांत सिंह मामले में, जहां पर पूछताछ का नया चरण शुरू करने के लिए CBI की टीम फिर से मुंबई जाएगी। इसके साथ ही एम्स की फॉरेंसिक टीम अपनी रिपोर्ट अगले हफ्ते सप्ताह CBI को सौंपेगी। सुशांत के मामले की जांच के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन CBI इस मामले में 9 दिन चले अढ़ाई केस के तर्ज पर काम कर रही है। जी हाँ, अब CBI इस मामले में पूछताछ का नया चरण शुरू करने के लिए फिर मुंबई जा रही है। इस मामले में CBI फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं देने जा रही, क्योंकि CBI में फाइनल रिपोर्ट बनाने का प्रोसेस इतना गहन है कि उसे पूरा करने में महीनों तक का समय लग सकता है। इसके साथ ही दिशा सालियान केस की भी CBI गहराई से जांच करेगी। CBI इस मामले में दिशा सालियान की मौत के मामले में फिर से इसको खोलेगी। सुशांत की मौत का मामला 14 जून को सामने आया था और आरंभिक जांच में मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या करा दिया था, लेकिन इसके बाद जन आवाज में जो रोष था उसको देखते हुए ये महत्वपूर्ण कदम CBI ने उठाया और ये जांच जोरों शोरों से चल रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि सुशांत के साथ साथ दिशा सालियान और भी लोग जिनकी मौत की खबरें सामने आ रही हैं, जो इस केस से जुड़े हुए हैं, उन सबको इंसाफ मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन हाँ, जाने से पहले आपको एक बार क्रॉसवर्ड के बारे में याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि क्रॉसवर्ड आप लोगों ने खेला होगा। कई लोगों ने हमें कमेंट भी किया है, कुछ वर्ड्स आपने कैच किए हैं और हमें कमेंट बॉक्स में भी आपने टाइप किया है। शुक्रिया हमारे साथ क्रॉसवर्ड खेलने के लिए। जो भी लकी विनर होगा उसको हम सरप्राइज गिफ्ट ज़रूर पहुंचाएंगे।
तो चलिए फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। से आभार, डेली हंट डेली होम। बाकी खबरों के लिए आप द डॉन एक्सप्रेस के साथ बने रहिए, और आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।